जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, रातें सब चरागों वाली सारे दिन भी ईद थे। चाहते थे चांद पर दूरियों की क्या फिक्र, जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक थे। तेरी जुदाइयों में बरसे वो नैना भी, सादर्द मिलके जिनको रुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना बुलाना चाहा जितना बुलाना चाहा तुम इतना याद आए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तुझे भूलना तो चाहा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल प्राचित सर। आज के ब्लॉग में आप सभी को खूब सारा स्वागत है। यहाँ पे मॉस्किटो नेट देख रहे होंगे तो वो लड्डू की वजह से लगा, क्योंकि रात में मच्छर बहुत ज़्यादा ही काटता है। एंड अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 7 और हम लोग उठे 5:30 से, मतलब 5:15 ऐसे हो गया था, क्योंकि आंटी जो आती है खाना बनाने वो आ गई थी तो जल्दी उठ गए थे। और मैंने कल बनाया बहुत सारे रील्स, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाओ चेकआउट करना, और आज भी बनाने बहुत सारे। और आज सबसे स्पेशल यही चीज़ है कि मैं अपने घर जा रही हूँ और भैया भाभी घर आ रहे हैं, तो मम्मी और जाएंगे लेने के लिए। फिलहाल मैं तो नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे साड़ी वगैरह लेने जाना है, क्योंकि जब पसंद करा रहे थे मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, तो उन मतलब मेरे ससुराल से बोला उन लोगों ने कि आप उधर से ही मतलब ले लो, तुम्हें जो पसंद आता है तुम्हें जो अच्छा लगता है। और मुझे फ़ोन पे पसंद करा रहे थे तो पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा और भाभी का एक साथ ही लिया गया, तो भाभी को पसंद आ गया था और मैं देख भी नहीं पा रही थी, मतलब कि उन्होंने फ़ोन पे ही पसंद कर लिया था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। अभी सिल्क टाइप और जैसे मेरे पास साड़ियाँ थी उसमें ही दिखा रहे थे, तो अभी मैं जाऊँगी कुछ अलग सा लूँगी, और जैसे ही जाऊंगी बाहर निकलूंगी आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। तो अभी तो थोड़ा सा टाइम है, 7 बज रहा है, 10 बजे के बाद ही सारा कुछ खुलता है, तो अभी रूम का सब सफाई करेंगे और उसके बाद से कुछ कुछ पैकिंग वगैरह होगी मेरे ससुराल जाने की। एंड अगेन मैं जल्दी आऊंगी भी, क्योंकि कुछ टाइम बाद अब हम लोगों को यहाँ से निकलना है कोयम्बटूर के लिए भी, तो मेरा यहाँ पे कुछ पेंडिंग काम है वो मुझे करना पड़ेगा। और डीएल मेरा बन गया, मतलब लर्निंग वाला मिल गया हम लोगों को, तो आई एम हैप्पी। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा रेडी हो जाते हैं, मतलब कि रूम वूम साफ करते हैं और ख़ुद भी नहा धोवा लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। नजी नजी दिख रहा है, अच्छा ठीक है, कर करंट डेट में हो जाएगा ना, क्या क्या कागज लगेगा? सो गाइज यहाँ पे हो गए हैं रेडी हम लोग, मतलब मैं अभी हुई नहीं हूँ, ये मेरे को तो इन साड़ी पे रील्स बनाने थे, अभी दोबारा वापस चेंज करूंगी, फिर मैं मार्केट भी जाऊंगी और अभी जाते हैं रील्स बनाने। मम्मी के साथ भी कुछ कुछ रील्स मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन इंस्टाग्राम पे जिसका नाम है जयसवाल सुचिता 1229, और उसके बाद आप लोग उस पर रील्स देख सकते हैं। जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए आप लोग। सो गाइज यहाँ फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, मुझे इस सिल्क की साड़ी पहननी थी तो मैंने अभी एक सिल्क की साड़ी पहनी है। एंड मेरा बाल ऐसे हो जाता है अजीब से हेयर वॉश करने पे, जब कहीं जाना होता है ना तो ऐसे होता है मेरे साथ। आप लोग कमेंट करके बताना आपने से किसके साथ ऐसा होता है कि जब आप कहीं जाने वाले होते हो तो आपके बाल नहीं बन पाते हैं। अभी मैं रेडी नहीं हो रही हूँ, मतलब प्रॉपर अभी तो रील्स वगैरह बनाया और मैं फेस में कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, तो कुछ भी नहीं लगाया हुआ है अभी, बस लाइनर लिपस्टिक वगैरह लगाई हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं लगा सकती, वो क्रीम्स वगैरह नहीं लगा सकती, बट ऐसे लाइनर वाइनर तो लगा सकती हूँ। तो लिपस्टिक लगाया है मैंने, एक पिंक सी शेड का है, मरून पिंक शेड का है बोल सकते हैं। भाभी आने वाली है, लड्डू यहाँ सो चुका है, यहाँ मैंने साड़ी वगैरह खोली, अपनी रील्स बनाई थी मैं, तो वो सब मुझे
सब स्थिर करना है, स्थिर करके जाना है। और ये मम्मी का साड़ी और ब्लाउज था जो मम्मी में नहीं आया था, टाइट वाइट हो चुका था, तो मैंने इसको अभी अपने अकॉर्डिंगली स्टिच किया है। और मैं बहुत पहले से ही मम्मी का ब्लाउज वगैरह फिटिंग कर लेती थी। तो फिलहाल वैसे ना मैं लाइट कलर ट्राई नहीं करती थी, बट अभी मैंने देखा कि लाइट कलर मुझ पर बहुत, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है अभी, पता नहीं क्यों ऐसा चेंज। अभी ये जो कलर साड़ी पहना था ये भी लाइट कलर है, लेकिन मेरे मतलब डार्क कलर से ज़्यादा सुंदर आया है इसमें जो भी वीडियोस या फोटोज़ अभी तक। तो मतलब अगर आपने नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पर जाओ, चेक करो। और सही में बहुत अच्छे, मतलब कैमरा में तो आ ही रहा है, सामने भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये भी लाइट कलर है जो कि मैं पहनती नहीं हूँ, बट फिर भी मैं पहनी हूँ वंस अगेन। और मम्मी प्रिंस चले गए हैं भाभी को लाने, मैं नहीं गई हूँ। क्यों नहीं गई हूँ? क्योंकि मुझे अभी जाना है मार्केट। तो मैं वेट कर रही हूँ कि लड्डू, जैसे आप लोग ये देख सकते हो मेरा बाल ऐसे ऐसे हो गया है क्योंकि मैंने ना अभी ऐसे बीच मांग करके किया था, तो ये ऐसे हो गया है अभी फिलहाल। तो क्लिप लगा दिया था, ऐसे रोल रोल करके हेयर वॉश किया था, तो क्योंकि तुरंत में बनता नहीं है कोई बाल, और जल्दी जल्दी में मैंने वो बना दिया था। पसीना हो रहा है, फ़ैन ऑन करूँगी तो आवाज़ नहीं आएगा, इसलिए फ़ैन ऑन करती हूँ। एंड आई होप ये छोटा मोटा वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। भैया भाभी आ रहे हैं घर, ऑलमोस्ट आ चुके हैं, ऑन द वे हैं। मम्मी और प्रिंस गए हैं लेने, मैं नहीं गई हूँ, मुझे मार्केट जाना है। एंड गाइज मस्ट है कि आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बिकॉज मैं इतना मेहनत कर रही हूँ इंस्टाग्राम के लिए, तो आप लोग एक बार चेक करना तो बनता है यार। एक बार इंस्टाग्राम पे आप लोग जाइए और फॉलो कीजिए, और जितने भी वीडियोज हैं उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए खूब सारा, एंड मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। मैंने एक नेक पीस पहना था बहुत ही सुंदर सा, अब एक वीडियो में मैं आप लोग को शो करती हूँ। सो ये लाइट कलर की साड़ी मैंने पहनी थी, और ये नेक पीस पहना था जो कि इतना ब्यूटीफुल है। मैं इसको बैक कैमरा से दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। कान मेरे खाली हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वाला पहना हुआ था कान में का, और बहुत ही प्रिटी लग रहा था, मतलब कि उन साड़ी पे, लाइट पिंक कलर की साड़ी है तो बहुत प्रिटी लग रहा था। मैं बैक कैमरा से दिखा रही हूँ, आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा लगा। सो गाइज ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक जगह मुझसे निकल भी गया है, आज उसको मैं फिट कर लूँगी। और ये लंबा लंबा सा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। इसके साथ टीका भी आता है, बट मैं टीका नहीं, मतलब नहीं लगाई थी। और ये इसका इयर रिंग है जो कि बहुत ही सुंदर है, इयर रिंग अपने आप में ही खुद बहुत सुंदर है, ये देख सकते हो आप लोग, बहुत ही सुंदर इयर रिंग है। हैवी भी है, और अगर आपको इतना हैवी नहीं पहनना तो सिर्फ इयरिंग पहन लो, साड़ी पे बहुत प्रिटी लगेगा। ये साड़ी पे रील्स आप लोग देख रहे हो कि सब पैक करके रखा हुआ है, और वीडियोस बनाने थे तो बना के मैंने काम अपना ख़त्म कर लिया है। और आप लोगों को कैसा लगा ये इयरिंग और नेक पीस का सेट? ये आई थिंक मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, आप लोग उस पर प्राइस वगैरह चेक कर सकते हैं। और मुझे बहुत प्रिटी लगा इसका झुमका भी, प्लस ये कुंदन वर्क है तो बहुत अच्छा लगा। मुझे भी चूड़ी वगैरह चेंज करना है, ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और अभी मैं इसको पहन के जाऊँगी, अब मैं लास्ट पहन ली हूँ, पहन के अपना काम ख़त्म किया। इसमें छोटा छोटा घुंघरू लगा हुआ है, मम्मी का चॉइस, आप लोग बताना कैसा है। फटाक से चलते हैं क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो फ़ैन ऑन करती हूँ, उसके बाद से अपना आगे का काम करेंगे।